हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले साइंस। तो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 6 आ चुका है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर। एंड आज आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसको रख दें हम, और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म। तो उसको हम बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम इस चीज़ पे पूरी की पूरी रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इससे पुराने लेक्चर में आपको पोटेंशियल एनर्जी की पूरी नॉलेज, बेसिक से लेकर स्टार्टिंग तक सब कुछ मैंने बता दिया था, राइट? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। इतनी सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी और एक होमवर्क क्वेश्चन ही मैंने आपको दिया था। एंड उसी के साथ साथ आज ये आपका आखिरी लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कैपेसिटेंस चैप्टर हम अलग से स्टार्ट करने वाले हैं, उसको जैसे ही स्टार्ट कर देंगे आपको पता लग जाएगा। चलो भाई, तो लास्ट क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन हमें दिया था वो हम देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था हमारा, एज पर दिस डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओके, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट जिसका है 0, a, ओके, टू अनदर पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट से 1, 0, अलोंग द स्ट्रेट पाथ ए बी इज। ठीक है, देखो सारे के सारे स्टूडेंट्स देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है आपको। सर, इसका कोऑर्डिनेट एक्स के अलोंग 0, वाई के अलोंग उसने बोल रखा है ए, एंड इसका 1, 0। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि यहाँ पर ओरिजिन पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख रखा है, स्मॉल क्यू, एंड मैंने एक माइनस क्यू चार्ज, माइनस का कैपिटल क्यू चार्ज ए से मूव करा के बी तक लेकर आ गया हूं। ठीक है, ए से बी तक लेकर आया हूं और मैंने क्या किया, कुछ काम किया इसके ऊपर, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बिल्कुल प्रॉपर बात, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चलो इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट अप्रोच देखो। मैंने आपको क्या बताया था, हमारे सिस्टम में जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर हम पढ़ते हैं वहां पर बताते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब कंजर्वेटिव फोर्स इसकी कंडीशन में क्या है? सर वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दो, है ना, इलेक्ट्रिक लिख देता हूँ। ठीक, अब आपको एक चीज पता हो, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो, सेम होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। तो अगर नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वही पॉजिटिव टाइम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता था, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अब चेंज इस फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे, देंगे इसकी इसको कैसे करोगे? तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम क्या करेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो भी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकाल लेंगे सर। अब फाइनल माइनस इनिशियल कैसे निकालेंगे, चलो बताओ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे आप सिस्टम की, इनिशियल मतलब UI, ठीक। चलो कैसे निकलेगी बताएगा कोई? इनिशियली चार्ज कहां पर था, ए पॉइंट पर था। चार्ज को अब इनिशियल इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक सिंगल चार्ज की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, होती किसकी है, पेयर की होती है। सिंगल चार्ज का क्या होता है, ताकत होती है, पोटेंशियल इसकी एनर्जी सिस्टम की होती है। तो यहां पर सिस्टम कौन सा, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू इनिशियली, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी के बताते जाओ, प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। कितना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा ए, राइट, और ये डिस्टेंस भी ए ही होगा, समझ आया? तो यहां लिख दूंगा अपॉन ए, तो यू इनिशियल मेरा आ जाएगा कितना, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए। बोलो ठीक, चलो सर ये चीज तो समझ आ गई हमें, अब फाइनल बताओ। तो फाइनल के लिए क्या बोलूंगा, आपने उस पर काम किया और आपने उसने फाइनली कहाँ रख दिया, बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट पे आके उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बता दो, वही आपका यूएफ होगा। फाइनल भी क्या होगा, ये चार्ज अभी यहां था, यहां से यहां आ गया, इस चार्ज का और इस चार्ज का अब एक पेयर बन रहा है, तो इन पेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी अब क्या आएगी, इस पेयर की वजह से भी निकाल दो, तो क्या लिखोगे, फाइनल यू एफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, के प्लस का स्मॉल क्यू
माइनस का क्यू अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। अब उनके बीच का डिस्टेंस अभी भी ए है बच्चों, देखो तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में ए। तो यहाँ से यू फाइनल निकल के आपका आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आपका आंसर भी आ गया इसी के साथ साथ। देखना कैसे आएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो आपको चाहिए था, या एक्सटर्नल एजेंट बोलो इसको, फोर्स तो हमें नहीं पता, एक्सटर्नल एजेंट बोलेंगे, किसी और ने काम किया, पता नहीं मैंने किया हो आपने किया हो, ठीक है उसको पकड़ के यहाँ तक लाए हो, इसको पकड़ के मैं ऐसे लाया हूँ, कोई दिक्कत है नहीं है। चार्ज कौन सा था? ये था देखो माइनस का क्यू समझ आया। चलो इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल बोलो जरा माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए, माइनस ऑफ इनिशियल बोलो, इनिशियल भी सर नेगेटिव ऑफ के क्यू क्यू अपॉन ए, मतलब दोनों इक्वल थे, जरा देखो जरा क्या आ रहा है आंसर फिर, तो दोनों इक्वल थे तो जीरो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल जीरो ही आ रहा है, देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू जीरो। समझ आया, कोई भी काम आपको नहीं करना पड़ा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो। ठीक, तो हमारी सिंपल सी अप्रोच थी भाई कि ठीक है कितना हमारे एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया वो कैसे निकाल लेंगे, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। इनिशियल पता है, बिल्कुल पता है, देखो पेयर बन रहा है, बिल्कुल पता है। फाइनल चार्ज कहाँ पहुंच गया, यहां पर, यहां से भी निकाल लेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो आपका आ जाएगा क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। और यही बच्चों वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ लेता तब क्या करते आप, या कंजर्वेटिव, नेगेटिव कर देते एक्सटर्नल फोर्स के कारण के वर्क डन को। ठीक, चलो भाई इतनी चीज जानने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी, जो आप अपना मेन टॉपिक आज की क्लास का है वो है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमको। ये देखो मेरे कलावे की वजह से क्या क्या होता है, कोई बात नहीं आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है बेटा ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा सा जुकाम हो रखा है बेटा, इस वजह से बोलने में दिक्कत भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ जाओ। देखो हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, सबको इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है, बहुत बढ़िया। एक माइनस क्यू चार्ज होता था, एक प्लस क्यू चार्ज होता था, और दोनों पेयर्स में होते थे, एंड उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता था 2L, और वो 2L डिस्टेंस जो होता था बहुत छोटा होता था, बहुत छोटा होता था, मिलीमीटर्स में हो सकता था। ठीक है चलो, तो हमें करना क्या, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकाल, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कहाँ पर, जब उस डाइपोल को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, और कैसी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन अ प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है निकालना, और ना ही आपके क्वेश्चन में आएगा, ना ही आपके पेपर में आएगा। समझ आया, तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलो भाई, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबको डाइपोल याद है, या फिर थोड़ा सा रिवाइज करा दें? चलो, सबको पता है कि हम क्या करते थे, एक माइनस क्यू चार्ज इधर लेते थे, एक प्लस क्यू चार्ज इधर लेते थे, एंड इन दोनों को हम मैच करा देते थे, राइट, सेंटर से दोनों के चार्ज के, और लाइन जॉइनिंग द सेंटर। ठीक है, फिर इसका एक सेंटर होता था, इसको पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ, इस माइनस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस एल, और यहाँ तक की डिस्टेंस भी एल होती थी। बोलो समझ में आया, ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता था। इसी के साथ साथ हमने एक टर्म और इंट्रोड्यूस करी थी उस टाइम, वो थी डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या होता था बच्चों, इसको सर हम लोग पी से डिनोट करते थे, जो कि वेक्टर होता था। समझ आया, जो कि वेक्टर होता था, होता क्या था सर, सर पी इज इक्वल्स टू, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज, मतलब दोनों के पास प्लस और माइनस का चार्ज है, और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता था वो। समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा, क्यू रखते थे इसका मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, इनटू 2L, और L पे वेक्टर, जो लेंथ की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन हो जाती थी। ये आता था मेरा डाइपोल मूवमेंट। अब सुनो, अगर एक माइनस क्यू चार्ज इधर है, प्लस क्यू चार्ज इधर है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती थी, कोई बताना चाहेगा? यस सर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती थी। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अभी इस डायरेक्शन में, इसको रिप्लेस करके मैं एक ये भी रख सकता हूँ, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में बना दूं और यहाँ पे पी लिख दूं। समझ आया, समझ आ गया सबको, बहुत बढ़िया।
तो ये होता था मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम बात करते हैं इस पर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं चलो, और हमें करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। चलो तो सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं बेटा, जिससे सबको दिक्कत ही खत्म हो जाए। चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, सर काफ़ी सारी स्ट्रेट लाइंस बना लो। बात तो सही है, तो शायद मैं वही कर रहा हूँ डांस करते करते। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है मेरी, देखो देखो बन गई मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बन गया, बहुत बढ़िया। अब एक्चुअली में मैं करूँगा क्या, एक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ बेटा। क्या करता हूँ, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख देता हूँ, ठीक है। चलो कैसे रखेंगे, देखो ये मैंने एक डाइपोल को रख दिया, ठीक है। कैसे, ये था मेरा माइनस का क्यू चार्ज और ये था मेरा प्लस का क्यू चार्ज, ठीक है, और इन दोनों को मैंने मिला दिया, ये मेरा एक डाइपोल बना हुआ है। करेक्ट, क्या बना हुआ है, डाइपोल बना हुआ है। ये किसकी डायरेक्शन है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ई इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा ये, ठीक है। ई मेरा यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है हर जगह और सेम डायरेक्शन में जा रही है जैसे वो हमेशा जाती जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस डाइपोल की कुछ ना कुछ टोटल डिस्टेंस होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमें क्या बोला है, अभी ये किस एंगल पर रखा हुआ है, कितने एंगल पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो एक चीज मुझे बताना बेटा, मुझे एक चीज बताना यहां पर ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी। सर आपने बताया था डाइपोल मूवमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो आप क्या बोलोगे, सर पी वेक्टर मेरा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, सही है कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलो अब एक्चुअली में हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता था, पहले तो ये बता पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता था। सर पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता था, ये होता था कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल नहीं सकते, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और उसका तरीका होता था सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैंने 100 बार बोल चुका, ठीक है। यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यस सर, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करती, डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ग्रेविटेशनल भी कंजर्वेटिव है, क्यों, डायरेक्शन चेंज नहीं करती, आप ऊपर जाओ तो भी नीचे बुलाएगी और नीचे जाओ तो भी ऊपर बुलाएगी फोर्स, वो सॉरी नीचे जाओ तो भी नीचे बुलाएगी, गलत बोल दिया मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप ऊपर जाना चाहोगे तो भी नीचे ही लगती है और आप नीचे जाना चाहोगे तो भी नीचे ही लगती है, सेम डायरेक्शनल होती है। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है क्योंकि वो आपके रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करती है। चलो तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, क्या यहां पर मैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और कैसे लग रहा होगा, अरे ये क्यू चार्ज है इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, क्यू ही, सिंपल, चलो बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज बताना, और एक चीज आपने देखी थी, यही कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव है तो यही सेम चीज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स भी होती थी, ये एक्सटर्नल एजेंट बोल दो इसको। ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर्स में करा रखी है जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कराई थी, राइट। तो हम अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर देते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर कितना काम कर रही है वो निकाल लेंगे, तो निकल आएगा कैसे, अरे देखो ये क्या आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायपोल पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, चलो ठीक है। उस फोर्स की वजह से जो भी काम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कर रही है उसको अगर मैं निकाल लूं तो क्या मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा, निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, इनिशियल तो पता नहीं है, तो उसकी भी एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने पॉइंट चार्ज के लिए क्या बात करी थी, जब दो पॉइंट चार्जेस है तो हम क्या बोलते थे, एक टर्म इनिशियल को जीरो बनाने के लिए, उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बनाने के लिए हमने क्या बोला था, चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आओ, चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आते थे तो डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती थी, क्या ये चीज सबको याद है,
एक एक चीज अच्छे से सबको याद होनी चाहिए, ठीक। तो अब अपन क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं इनिशियल एंगल इसका किसी एंगल पर है ये थीटा, किसी एंगल पर है ये थीटा। कहाँ बनाऊं वो एंगल मैं, इसको ऐसे घुमा देंगे। चलो भाई यहां देखते हैं, देखो यहां देखो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, और ये हो गया मेरा प्लस क्यू। चलो भाई यहां एंगल देखेंगे सारे बच्चे, मान लो इनिशियल एंगल है थीटा, इनिशियल एंगल है थीटा वन, किसके बीच में बेटा, ध्यान देखना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन किसकी है, ये किसकी है, पी वेक्टर, इस डायरेक्शन में पी वेक्टर, ध्यान रखना भूलना मत। एक चीज देखना यहां पर, ये जो आ रहा है माइनस क्यू से प्लस क्यू, यही पी वेक्टर होता है, तो यहां पर बना नहीं रहा हूं माइनस क्यू से प्लस क्यू इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गया थीटा वन। चलो अब हम क्या करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन निकाल लूं तो क्या मैं डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल पहुंच जाओगे, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे निकलेगा, चलो सर कैसे भी निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वर्क डन तो ये होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, नहीं डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यही होता था, बहुत बढ़िया, ये गलत होता था। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो कैसे यूज करते थे, सबको पता है सर, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन जो निकलता था एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन निकलता था एक्स वन से एक्स टू तक, बोलो ये चीज सबको पता है, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा मुझे एक चीज बताना बेटा इस क्वेश्चन में, इस चीज बताना, इस डाइकोल के पास कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं सर, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज पे इस क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगेगी सर, इस डायरेक्शन में यही लगेगी क्यू ई, यस सर, और इस माइनस क्यू चार्ज पे कितनी लगेगी सर, इस माइनस क्यू चार्ज पे इस डायरेक्शन में लगेगी, कहाँ, जिस डायरेक्शन में बुलाना चाहता है उससे अपोजिट, इस डायरेक्शन में कितनी क्यू ई लगेगी सर, लगेगी। क्या इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, अरे ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा दिखाया गया है, एक्चुअल में बहुत छोटा होता है, आपको याद हो तो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है, बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए बहुत बड़ा बनाया गया है, समझ में आया, जिससे बोर्ड पे अच्छा दिखे। तो क्या इस सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, क्या इस सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, बिल्कुल है, देखो यहां पर क्यू ई, यहां पर क्यू ई, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो सिस्टम पे लगने वाला एफ नेट जो कि है जीरो है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन के लिए तो फोर्स जरूरी होते, फोर्स तो जीरो है, अरे बेटा यहां पर वर्क डन डिस्प्लेस करने के लिए नहीं, रोटेटिंग वर्क डन निकालेंगे, रोटेटिंग फोर्स, टॉर्क आएगा काम, टॉर्क, यहां पर जो वर्क होगा वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने वाला वर्क डन होगा, ना कि डिस्प्लेस करने वाला, कैसे समझो, कैसे समझो, चलो नेट फोर्स जीरो है इस सिस्टम पर, ये तो मैं मान गया, क्या इस सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो होगा, नहीं होगा। टॉर्क कैसे निकाला जाता था बच्चों, आपको अगर याद हो मैंने आपको कराया है, टॉर्क टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं रख दूं तो उसके अंदर टॉर्क कितना लगता है, कितना लगता था कोई बताएगा मेरे को, यस सर आता था, टॉर्क जो लगता था वो लगता था मेरा पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये मेरा टॉर्क लगता था, ये मेरा टॉर्क लगता था, और ये टॉर्क भी कैसा होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या समझ आया, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहां पर टॉर्क को अपन कैसे लिख सकते थे, और पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज दी एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक है, ये टॉर्क लगता था किसी भी सिस्टम पर, ये मैंने आपको बता रखा था, राइट। चलो इतनी कहानी आपको पता थी, इसको थोड़ा ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे अपन बिल्कुल बच्चों की तरह और आगे बढ़ेंगे, ठीक, ये कहानी आप लोग अलग से याद रखना। चलो क्या इस सिस्टम पे टॉर्क लग रहा होगा,
देखकर बताओ। अरे बिल्कुल लग रहा होगा, देखो पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर, ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इन दोनों के पीछे बनने वाला एंगल कुछ ना कुछ है, मतलब टॉर्क लग रहा होगा, टॉर्क इस पे लग रहा होगा, समझ में आया, टॉर्क इस पे लग रहा होगा। चलो भाई इतनी चीज तो मैं समझ गया। अरे मेरी बात बताओ, अगर पी वेक्टर ये है, ई वेक्टर ये है, और इनके पीछे बनने वाला एंगल थीटा है, तो क्या टॉर्क नहीं लगेगा? लगेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, देखो साइन थीटा आ रहा है, वही चीज तो है, देखो पी ई और साइन थीटा, बहुत बढ़िया। अब एक काम सोचो, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से रोटेशन वाला वर्क डन हम देखेंगे, सुनना, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहती है, किस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहती है, मुझे एक चीज बताओ, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, इधर, इस पे फोर्स इधर, तो क्या ये पेन, अगर मानो ये पेन है, ये पेन पे एक डायरेक्शन में फोर्स इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो ये पेन ऐसे नहीं घूम जाएगा, ये पेन ऐसे नहीं घूम जाएगा, समझ रहे मेरी बात, ये डाइपोल ऐसे नहीं घूमना चाहता, ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है ना, लेकिन आप इसको क्या करा रहे हो, आप इसको डिस्प्लेस कराओगे अब थीटा टू एंगल और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये वर्क डन आप निकालोगे, ठीक है, अब आप क्या कराओगे, इसके अपोजिट चलोगे, आप इसके अपोजिट चलोगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही रहा है, हम इसके अपोजिट लेके चलते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसको किस पेन से बना दूं जिससे आपको अच्छा दिख जाए ये, कोई सजेशन, कोई भी सजेशन, चलो आ जाओ येलो से बनाते हैं, मान लो इसको मैंने रोटेट किया और डॉटेड लाइन से बना देते हैं, इसको रोटेट किया मैंने कुछ ऐसा, ठीक है, और ये प्लस क्यू आ गया और ये माइनस क्यू आ गया, ठीक है, कितना रोटेट कर दिया दिख रहा है आपको, सर अब कुछ ना कुछ एंगल आपने यहां से थीटा टू रोटेट कर दिया, कितना थीटा टू एंगल रोटेट कर दिया, अरे समझ आ रहा है, पहले कुछ एंगल थीटा वन था, देखो आप यहां पे इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हो, मैं समझ गया, इसको हटाते हैं, अपन इसको वाइट से बनाते हैं, ठीक, टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं, चलो मान लो मैंने इसको इतना सा रोटेट किया, ज्यादा भी नहीं किया, इतना रोटेट कर दिया और ये आ गया प्लस क्यू और ये आ गया माइनस क्यू, ठीक है, इसको मैंने पहले ये इनिशियली किसी एंगल थीटा वन पे था, फिर मैंने इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिया जिससे अब इसका एंगल जो हो गया बेटा थीटा टू हो गया, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो आपने जो वर्क किया किसके अगेंस्ट किया, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, या तो वर्क डन भाई एक्सटर्नल एजेंट निकाल लो या इलेक्ट्रिक फोर्स, चलो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डाइपोल को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहती है, सर क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज कराना चाहती है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहती है, आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज, एंड हम जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं इसको वो कहां से कहां है, देखो जरा डिस्प्लेसमेंट बताओ, सर डिस्प्लेसमेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में, पहले थीटा वन था, अब आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है थीटा टू, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग है, जैसे हम लोग फोर्स एफ डॉट डी एक्स निकालते थे बेटा, तो आप देखते थे जब भी अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, तो आप नेगेटिव का वर्क डन लेते थे, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव का वर्क डन, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव का। तो अब मैं क्या निकालूंगा, देखना वर्क डन निकाल रहा हूं मैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ध्यान से देना, अब देखना अब कहानी स्टार्ट हो गई है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल भाई, चलो भाई सुनना जरा कैसे निकलेगा, सुनो यहां पर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा, अब एंगुलर की बात करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला लीनियर तो खत्म है, नेट फोर्स जीरो है, कौन सा बचा रोटेशन वाला, उस टाइम वर्क डन कैसे निकालते हैं, सर उसमें भी वर्क डन तो निकाल लेंगे लेकिन ये वेरिएबल है, उसमें वर्क डन कैसे निकालते थे सर, कैसे, टाओ डॉट डी थीटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जैसे एफ डॉट डी एक्स निकालते थे, लेकिन वर्क डन अगर हमारा वेरिएबल हो तो यहां भी टाओ डी थीटा दोनों का वेक्टर और इसका इंटीग्रेशन कर देते थीटा वन से थीटा टू, जहां तक भी आपको जाना है,
बोलो ये चीज समझ आई, इंटीग्रेट कर देते थे, बोलो ये चीज समझ आई, बहुत बढ़िया। तो यहां भी इंटीग्रेशन चला दो, यहां कोई दिक्कत है क्या, यहां भी इंटीग्रेशन चला दो। चलो इंटीग्रेशन कैसे चलाओगे आप, इंटीग्रेशन कैसे चलाओगे, देखो देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा का वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक किया सर, थीटा वन से थीटा टू, थीटा वन से थीटा टू। चलो बढ़िया, अब आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, पहले तो इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू लिख दो, एंड इसका हो जाएगा टाउ डी थीटा, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के पीछे बनने वाला एंगल कॉस, इन दोनों के पीछे बनने वाला एंगल। अब इन दोनों के पीछे बनने वाला एंगल बताओ क्या होगा, फोर्स टॉर्क का लग रही है क्लॉकवाइज, डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के पीछे बनने वाला एंगल 180 डिग्री। तो यहां से जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू आएगा माइनस का इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू टाउ डी थीटा, पहली बात, क्योंकि कॉस 180 माइनस वन होता है, नेगेटिव मैंने बाहर लगा दिया, देख लो। चलो टॉर्क की वैल्यू सबको पता है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, चलो रखो जरा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगेन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी आएगा कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू एंड टॉर्क की जगह पीई साइन थीटा डी थीटा। चलो भाई इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है, उससे पहले पीई को बाहर ले लो, तो माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, इस माइनस को भी बाहर ले लो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा पीई, और कॉस में लिमिट रख दोगे तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, दिस इज योर आंसर। ये आता है आपका क्या बेटा, अभी आंसर नहीं आया है, ये वर्क डन निकल के आया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, अभी तो ये आया है, अभी तो ये निकल के आया है, ठीक है। तो ये जैसे ही निकल के आ गया तो आप क्या कर सकते हो, अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, देखो ये निकल के आ गया, इसमें रख दो जरा, आंसर आएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना है आपका मेन, चलो निकालते हैं सर, आपने जो बोला कर देते हैं, यहां पर एक लाइन खींच दो, और आप क्या बोलोगे सर, अब आपने एक रिलेशन खुद ही बताया, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, और यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है। चलो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट इज क्या आया था मेरा, पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, देखो नेगेटिव पहले से था नेगेटिव, और ये उसकी पूरी वैल्यू एज इट इज मैंने रख दी। चलो तो सर यहां तो फाइनल माइनस इनिशियल है, और आप तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन डायरेक्ट निकालना चाहते हो, तो अब आप क्या करोगे, हाँ तो मेरे को कहीं ना कहीं यहां भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले सोचा था इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आया था, क्यों लाया था, जिससे इनफाइनाइट का जीरो हो जाएगा, और जिससे मेरे को फिर डायरेक्ट यू फाइनल मिल जाएगा, क्योंकि इनिशियल तो जीरो हो जाता जब मैं इनफाइनाइट से चार्ज को लाता था, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम सब बच्चों क्या करना है, एक अजम्पशन लेना है, अजम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट, अजम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट, अजम्पशन क्या अजम्पशन है, हमको ये बोलना है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जब भी थीटा 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या बोलोगे, जीरो, हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये हमने एक अजम्पशन मांगा, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ये हमने अजम्पशन मांगा, ठीक है। अब हम इस अजम्पशन के सहारे अपना डेरिवेशन कर सकते हैं, कैसे बेटा, मैं क्या बोलूंगा, नाउ अज्यूमिंग इक्वेशन
इनिशियल पोजिशन थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो समझ आया? जैसे ही 90 डिग्री बोल दूंगा तो क्या यहां से अजम्पशन की जगह जो अजम्पशन माना है तो यहां पे थीटा वन भी जीरो नहीं हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी? हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। चलो इस इक्वेशन को वापस लिखता हूं, आ जाओ। यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी, बहुत बढ़िया। ठीक है, फाइनल कहां पहुंच गए? देखो इनिशियल कहां थे आप? सर इनिशियल तो मैं थीटा वन पे था, फाइनल थीटा टू। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी आएगी? यू थीटा टू फाइनल, और इनिशियल कहां थे आप? सर मैं इनिशियल था थीटा वन पे, इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, यहां पर थीटा वन को 90 रख दो और यू थीटा वन को जीरो रख दो। तो यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन को जीरो कर दिया, माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, थीटा वन को 90 रख दो, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? जीरो। तो ऐसे यू थीटा टू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू। क्या ये निकल के आ गया? अब देखो, अब मेरे पास ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी मेरे को इनिशियल पोजीशन पे जीरो थी, तो जीरो से कितना आपने रोटेट किया? थीटा टू, है ना, या कोई एंगल थीटा रोटेट किया, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई अब सिस्टम की। चलो क्या मैं इसको ये बोल दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत है? यू थीटा इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अरे थीटा टू की जगह थीटा रख दो, कोई भी एंगल घुमाया होगा। चलो अगर मैं एक चीज देखूं, ये पी ई कॉस थीटा को मैं पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिख सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन है सर, ये जो थीटा है इसको पी और ई के बीच बनने वाला एंगल होना चाहिए, तभी आप इसको डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो। आओ देखो जरा, पी वेक्टर ई वेक्टर, उसके बीच बनने वाला एंगल थीटा। तो यस, इसको मैं राइट लिख सकता हूं, इसको यू थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये आपका निकल के आया है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई कैसे निकाला? चलो पूरी प्रोसेस को वापस दिखाते हैं। हमने क्या बोला, देखना ध्यान से सुनना सबको, डाइपोल सबको पता था, बहुत बढ़िया। फिर आपको क्या पता था कि नेट फोर्स इस सिस्टम पे कितनी लग रही है? जीरो। लेकिन इस पे टॉर्क जीरो नहीं लग रहा, यहां पर रोटेशनल प्लस लीनियर दोनों की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर नेट फोर्स तो सर जीरो लग रहा है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं लग रहा। टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट कहां दिया? थीटा वन से थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वर्क डन कैसे निकलेगा? जैसे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, अगर फोर्स कांस्टेंट हो, वेरिएबल नहीं हो, लेकिन वेरिएबल फोर्स के लिए एफ डीएक्स का इंटीग्रेशन, सेम ऐसे ही हमने टी डी थीटा का इंटीग्रेशन किया, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और टी थीटा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 180, इसकी वजह से माइनस आ जाएगा। देखो माइनस आ गया। चलो टॉर्क कितना होता है, अपन ने निकाल रखा है पी साइन थीटा, रख दो वैल्यू। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन आया था हमारा। चलो तो हमें ये डेफिनेशन भी पता थी, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू माइनस, और मैंने इसकी वैल्यू रख दी। फिर उसके बाद हमने एक अजम्पशन माना बच्चों कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्री यू थीटा इज जीरो। क्यों माना? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज की डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी वजह से हम भरते हैं कि अजम्पशन लेते हैं। क्यों भाई? इनफाइनाइट चार्ज जब इनफाइनाइट पे होता था तो हम जीरो क्यों मानते थे? जिससे भाई केवल यू एफ की वैल्यू आ जाए, यू इनिशियल जीरो। देखो कहने को तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकता हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। बोल दूंगा मैं आपसे, ठीक है बेटा क्वेश्चन में अगर इनिशियल एनर्जी कुछ दी होगी तो आपको ये रखना है, और फिर फाइनल जो आ गई वो निकल जाएगी। समझ में आया?
अरे क्वेश्चन में अगर इनिशियल बोला है 100 है, बताओ फाइनल कितनी होगी, और चेंज आपको दे रखा है 200 का है, तो फाइनल 200 होगी, पता है? समझ में आया? क्योंकि चेंज 200 का है, ठीक? तो ये चीज मानी, फिर अजम्पशन के सहारे हमने थीटा वन को क्या बोल दिया, 90 डिग्री था, तो यू थीटा, थीटा वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो जैसे ही इसको थीटा वन रखा, इसको थीटा वन रखा, तो यहाँ पे जीरो, ये 90, ये जीरो हो जाएगा, निकल के आया। फिर इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं, क्यों? क्यों भाई, जो कॉस थीटा, अगर पी कॉस थीटा देखूं तो क्या होता है, एक डॉट प्रोडक्ट पी और ई के बीच में, लेकिन कब, जब थीटा इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल होता है, जो कि है पी वेक्टर ई वेक्टर। तो ये आती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी निकल के बेटा। ऐसे हम किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं, इजीली पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट। चलो इसी के साथ साथ एक चीज और बता दूं, अगर मैं अलग से लिखूं तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं बेटा, देखो अलग से देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर मैं आपसे टॉर्क निकालने की बात करूं तो कंफ्यूज मत होना, टॉर्क निकालने के लिए हम टाओ इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर करते हैं, करेक्ट, बहुत बढ़िया। यही अब अगर एक टर्म आ गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, सर पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी वो मेरी क्या आएगी, माइनस का आ जाएगा एक तो, पी वेक्टर का यहाँ क्रॉस है तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रहेगी, ये दोनों चीजें याद रहेंगी, समझ में आया? चलो बढ़िया, अब अपन तीन कंडीशन लेते हैं बेटा, क्योंकि इन तीनों कंडीशन में थोड़ी सी बात करने लायक बातें हैं, क्योंकि हमने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, मैंने ऑलरेडी आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में ये चीज बताई थी क्लास 11th में, और आज फिर बताने जा रहा हूँ। चलो तीन कंडीशन मानेंगे, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, जीरो होगा और 180 होगा, कुल मिला के एक बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो 90 डिग्री रख देंगे, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक बार उसके अपोजिट। चलो व्हेन थीटा, क्या लिखूंगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो भाई इस क्वेश्चन की बात करते हैं और सुकून से आंसर निकालते हैं। थीटा 90 डिग्री, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मानी अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मान रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ठीक। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोल रहा है, थीटा 90 डिग्री है, तो भाई डाइप कैसे रखा होगा, डाइपोल कुछ इस टाइप से रखा होगा, ये माइनस का क्यू बोल दो, ये प्लस का क्यू बोल दो, एंड प्लस माइनस से क्यू की तरफ क्या होता है, डायरेक्शन पी वेक्टर का, तो ये पी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। अरे ऐसे ही होगा ना पी वेक्टर, सबको समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, ध्यान से समझ लें। अरे इसकी जगह मैं डायरेक्ट, अरे भाई ऐसा पी वेक्टर भी तो बना सकता हूं, ये पी वेक्टर भी तो मैं ऐसे बना सकता हूं बेटा, ये देखो यही तो डायरेक्शन होगी पी वेक्टर की, लेकिन आप समझ जाओ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, है ना। चलो थीटा 90 डिग्री दिख रहा है, पी वेक्टर इधर, ये इधर, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, चलो भाई इतनी चीज समझ आ गई। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, जब 90 डिग्री है थीटा, तो मेरे को क्या निकालना है, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क क्या निकाला था बताया आपको, सर पी क्रॉस ई, हाँ सर, और ये क्या है वेक्टर, और पोटेंशियल एनर्जी सर कुछ नहीं, ये क्रॉस है तो ये डॉट होता था एंड ये नेगेटिव का और हो जाता था। चलो भाई निकालते हैं, बताएंगे मुझे कि अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो क्या निकल के आएगा, सर पी क्रॉस ई, दैट मींस पी क्रॉस ई का मतलब, मतलब सर पी ई साइन थीटा, एंड साइन थीटा की वैल्यू 90 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा सर, पी ई साइन 90 डिग्री। तो ये मेरा टॉर्क निकल के आ रहा है, तो टॉर्क मेरा जो निकल के आता है वो आता है पी ई, इसका मतलब ये जो टॉर्क निकल के आ रहा है ये मेरा मैक्सिमम टॉर्क निकल के आ रहा है। मिनिमम वैल्यू टॉर्क की क्या हो सकती है, माइनस वन, माइनस पी ई, क्यों हो सकती है, क्यों हो सकती है, अरे नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से बोल रहा हूँ, मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ, कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है, समझ में आया? तो इसी वजह से मैक्सिमम टॉर्क, तो जब 90 डिग्री पर रखा होता है डाइपोल तो मैक्सिमम टॉर्क लगती है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी चेक करके बताएंगे जरा, सर यू इक्वल्स टू माइनस का पी डॉट ई, यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, मतलब जीरो।
इस कंडीशन में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है वो होती है जीरो। कोई दिक्कत नहीं है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। और वही चीज़ है जो हमने मानी थी, आपको पता हो कि अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में हमने अज्यूम कर रखा था और वही क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। चलो पहला क्वेश्चन तो सिंपल था। अब आते हैं दूसरे केस पे बेटा। इस केस में थोड़ा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल की बात आने वाली है। केस सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, जीरो डिग्री। चलो जीरो डिग्री की बात करेंगे और यहां पर आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। देखना जीरो डिग्री की थीटा की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी बना दूंगा जैसे अभी है, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसी सेम बना रहा हूं मैं। ठीक, चलो भाई समझ आया। और ये बनाई और एक लाइन और बना लो। चलो ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा मैं बात करूंगा। और यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होगा, जो डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो डिग्री पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रहा हूँ। मतलब मान लो कुछ अगर एक माइनस क्यू इधर है तो प्लस क्यू इधर, और ये होगा तो यहाँ पे पी वैक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बताएगा? सर ऐसे होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। पी वैक्टर की डायरेक्शन भी ये होगी, ये पी है और ये E की डायरेक्शन में इधर, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल जीरो डिग्री। समझ गए, इसी वजह से मैंने माइनस क्यू इधर रखा प्लस क्यू इधर रखा, सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। चलो ये मेरा P वेक्टर की डायरेक्शन। इस कंडीशन में टॉर्क निकालेंगे जरा। सर टॉर्क निकल के आएगा वही सेम पीई साइन थीटा, तो पीई साइन जीरो डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क तो सर मेरा जीरो आ रहा है। बात भी सही है, बात भी सही है। देखो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन में। क्या इसको कोई घुमाने वाली फोर्स है अब इस डायरेक्शन में? नहीं है, कोई घुमाने वाली फोर्स नहीं, तो ये घूमेगा नहीं। तो इस टाइम पे टॉर्क इस पे जो लग रही होगी वो जीरो लग रही होगी। चलो सर टॉर्क जीरो मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी की बात करो। पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी डॉट ई वेक्टर। पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आएगा, माइनस ऑफ पी ई कॉस जीरो डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी जो इस टाइम पे आ रही है वो आ रही है माइनस पी ई, नेगेटिव का PE आ रही है, और यही पॉजिटिव का भी हो सकता है क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी होती है और माइनस 1 भी होती है 180 डिग्री पर। जब माइनस 1 हो जाती है तो PE, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 है तो माइनस ई आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल के आ रही है ये कैसी आ रही है, सर दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। वॉट इज दिस, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेबल अनस्टेबल की बात कैसे करें, स्टेबल अनस्टेबल की बात कैसे करें। चलो स्टेबल अनस्टेबल की बात मैं आपको आगे के पेज पे कराऊंगा, पहले यहाँ से पता कर लो। जब ये जीरो डिग्री पे है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और तीसरा केस भी देख लो, उसके बाद आपको स्टेबल अनस्टेबल की फीलिंग दिलाते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना बचा अपना 180, क्योंकि अपोजिट रखना है ना मेरे को, हाँ अपोजिट रखना है मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने मेरे को बड़ा मजा आता है यार, डांस करने लग जाता हूं मैं तो। ठीक है, ठीक है भाई, सही बन गई, बहुत बढ़िया। चलो अब 180 डिग्री पे कब होगा, सर जब पॉजिटिव इधर होगा और नेगेटिव इधर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सर नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो जब नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर है तो डायपोल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। इससे फायदा, दोनों के बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री हो गया भाई, दोनों के बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री हो गया। तो आप क्वेश्चन में कुछ दिक्कत रहा नहीं, रहा क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप बोलोगे सर टॉर्क तो आपका डायरेक्ट निकलेगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन 180 डिग्री। कितना आ गया टॉर्क, टॉर्क तो सर अभी भी जीरो है। हाँ खुश हो गए बच्चे, चलो दो कंडीशन में टॉर्क, अरे रटना नहीं है कुछ भी, केवल सीखना है, टॉर्क इज जीरो। चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे बेटा। सर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर होता है। चलो तो U इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, तो यहां पर U की जो वैल्यू आ रही है बेटा
वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और क्या आएगी, पीई, पीई ये क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या पता लगा, जब एंगल 0 डिग्री है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और जब मैक्सिमम है तो कब आ रही है मैक्सिमम, थीटा 180 डिग्री हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रखा हो। तो ऐसी क्या खास बात है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपको अगर कॉन्सेप्ट याद हो, जब मिनिमम पोटेंशियल होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे होता है कोई भी सिस्टम, पार्टिकल, बॉक्स वगैरह का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। और जब ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसी की होती है तो वो होता है मेरा अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है तो वो कहीं का नहीं होता, ना घर का ना घाट का, इसका मतलब ये बेटा न्यूट्रल है, ना इसकी मिनिमम है ना मैक्सिमम है, और ना ही ये स्टेबल है ना ही ये अनस्टेबल है, ये जो भी है जैसा भी है ठीक है अपने आप में, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है भैया तू। चलो फीलिंग लेते हैं थोड़ी सी कि ये चल क्या रहा है सर। अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे ग्राफ बना लूँ, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी और ये मेरी एक्सिस मान लूँ, चलो ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे ग्राफ बना दूँ एक कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बना दूँ, समझना मेरी बात को, थोड़ा बात को समझेंगे सारे बच्चे अब कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, उसी पे आपका समझना डिपेंड कर जाएगा। चलो भाई, और मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ ऐसे करके और ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनना बेटा, ये मैंने किस चीज का ग्राफ बनाया, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया, पोटेंशियल एनर्जी का, बहुत बढ़िया। चलो बेटा मुझे एक चीज बताना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ दिख रही है, ग्राफ हटाना पड़ेगा, रुको, चलो ज्यादा ऊपर निकाल दिए, बाप रे, चलो अब ठीक है, मुझे ये बताओ कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको कहां दिख रही है। आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर, यही पॉइंट है, हाँ, यहां पर क्या दिख रही है, पीई मुझे मिनिमम दिख रही है, और मैक्सिमम कहां दिख रही है, सर मैक्सिमम यहां दिख रही है, देखो मतलब यहां कहीं होगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज बताना, अगर मैं इसको कटोरी की तरह एक फील लूं कि मेरा ये कटोरा है और इसमें क्या रखी है, मेरी एक बॉल रखी है, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इस बॉल को अगर मैं थोड़ा ऊपर खींचूं और छोड़ दूं, इस बॉल को, ये बॉल सबको दिख रही है, सबको दिख रही होगी, ये बॉल को अगर मैं थोड़ा उठा के ऊपर खींचूं और छोड़ दूं तो बॉल क्या करेगी, बॉल वापस ऐसे 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 होके नीचे आ जाएगी, अगर मैं इस बॉल को ऊपर ले जाके भी छोड़ूं तो भी ऐसे 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 आके नीचे आ जाएगी। इसका मतलब जब किसी पार्टिकल की या किसी बॉल की या किसी सिस्टम की या किसी डाइपोल की अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, तो वो वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे, इसकी देखो एनर्जी मिनिमम थी, आपने इसको हल्का ऊपर या नीचे करने का किया, कोशिश किया, डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, लेकिन वो क्या करेगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जहां पर है वहां पर स्टेबल है, समझ में आया। और वही चीज आप कब करो, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस बॉल की अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है जहां पर ये रखी है, अगर मैं इसको हल्का सा भी राइट डिस्प्लेस कर दूं या हल्का सा भी लेफ्ट डिस्प्लेस कर दूं तो क्या होगा, चलो लेफ्ट डिस्प्लेस करते हैं, क्या होगा, जैसे ही हल्का सा लेफ्ट डिस्प्लेस करूंगा बॉल सीधे नीचे, क्या अपनी जगह पर वापस आ पाएगी, कभी नहीं। अगर इसको हल्का सा भी राइट डिस्प्लेस करूंगा बॉल सीधे नीचे, क्या अपनी जगह पर वापस आएगी, नहीं। मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है किसी भी सिस्टम, पार्टिकल, बॉल, डाइपोल, मेरी, आपकी, किसी भी बॉडी की, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वो स्टेबल नहीं होता, अगर उसको हल्का भी इधर उधर कर दिया तो भाग जाएगा, अपनी पोजीशन छोड़ना चाहता है और ये अपनी पोजीशन लेना चाहता है क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये बहुत स्टेबल है। यही चीज यहां है, जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो ये सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये जो डाइपोल है ये अपनी पोजीशन छोड़ना चाहता ही नहीं है आफ्टर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। चलो देखो चेक करते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप, आओ चेक करते हैं, मुझे एक चीज बताना, इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत बढ़िया। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने क्या बोला था, अगर उसको हल्का भी डिस्प्लेस करोगे तो अपनी जगह पे वापस आना चाहेगा, बहुत बढ़िया, चलो स्टेबल है तभी वापस आना चाहेगा,
कोई अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, कोई मेरे को छीनेगा तो मैं कुर्सी से हटूंगा क्या? नहीं हटूंगा। समझ में आया? वही चीज। चल एक चीज देखना, डायपोल की डायरेक्शन इधर, ठीक है, चल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। मान लो मैंने इसको क्या किया, हल्का रोटेट कर दिया, देखना ऐसे आपके सामने कर रहा हूँ, देखना ऐसे रोटेट कर दिया, मान लो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक, मैंने ये रोटेट कर दिया। अब देखना इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, सर अब इस पर फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। चलो इसको फील से लो, फील से लो, डायग्राम से मत लो, फील से लो। अभी ऐसे कोई चीज रखी है, उस पर कोई फोर्स लग रही, क्या ये घूमेगी? नहीं। जैसे ही मैंने इसको हल्का भी टिल्ट कर दूंगा बेटा, हल्का भी टिल्ट कर दूंगा, हल्का सा भी इसको अगर मैंने टिल्ट कर दिया ना, देखो इस चीज को, हल्का सा ही मैंने अगर टिल्ट कर दिया ना इसको ऐसे, तो क्या होगा? जैसे ही मैंने इसको हल्का सा भी टिल्ट कर दूंगा तो क्या होगा, क्या होगा? जैसे ही इसको हल्का सा टिल्ट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर, एक फोर्स इधर लगाएगा। जैसे मैंने इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया ऐसा, जैसे ही मैंने इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया अगर ऐसा, ऐसा प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा जो कि ये होगा QE, और एक इस डायरेक्शन में लगने लगेगा QE, और ये फोर्स क्या करेगा, इसको वापस इधर भगाएगा, वापस इधर भगाएगा। समझ में आया? और सेम अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इस टाइम पे भी इस पर फोर्स इधर लगेगा QE और इधर लगेगा माइनस QE, सॉरी QE लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन बता दी, बढ़िया। अब भी ये फोर्स आपको क्या करेगा, अब भी ये फोर्स क्या करेगा, ऐसे वापस बुलाना चाहेगा। तो मतलब आपको इसको अपनी डिस्पोजिशन से डिस्प्लेस कर रहे हो, तो आपको ये क्या दे रहा है, ये अपनी पोजिशन पर वापस आना चाहता है, ये अपनी पोजिशन पर वापस आना चाहता है जब जब आप इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ अब अपन आगे वाला भी देख लेते, वो भी सब समझ गए होंगे। चलो देखो, जब मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है, मतलब अपनी पोजीशन में वापस आना चाहता ही नहीं है, चाहे कुछ कर लेना। चलो कुछ क्या करते हैं अपन, तो बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे, देखो जरा, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, सही है, वेक्टर की डायरेक्शन पी की इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर। चलो इसको हल्का भी रोटेट करने की कोशिश करो, ये अपनी पोजिशन से पूरा घूम जाएगा। चलो देखना बेटा, मैं इसको केवल हल्का सा ऐसा डिस्प्लेस कर देता हूँ, देखो ये कर दिया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, ठीक है। चलो अब देखना इसकी वजह से इस पे फोर्स कहाँ लग रहे हैं, बताओ, इस पे फोर्स लगेगा इधर सर, क्योंकि ये पॉजिटिव का है, सॉरी इस पे लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में इधर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये पॉजिटिव, और इस पे इधर, क्या ये इस डायरेक्शन में वापस आएगा अपनी पोजिशन पे? नहीं। जब मैंने इसको हल्का इधर डिस्प्लेस किया तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा, तो ये पूरा का पूरा ऐसा घूम जाएगा, तो क्या ये अपनी पोजीशन में वापस आ सकता है? नहीं आएगा, फिर पूरा घूम जाएगा। समझे? तो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया हो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के सारे कंसेप्ट खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे, एक नया चैप्टर, एक नए तरीके से, और उसको मैं अलग ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा कैपेसिटेंस को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, जब तक के लिए इस चीज़ का रिवीजन करके रखो, ये चैप्टर बहुत प्यारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जितनी भी नॉलेज मैंने आपको दी है बहुत सारी और बहुत अच्छी दे दी है। आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा अच्छा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो जाएगा बेटा, बिलीव इन मी, बिलीव इन मी, ठीक है। चलो भाई, तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कंसेप्ट में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और समझ में आया हो तो भी कमेंट करके बताइए कि यस सर अच्छा लगा लेक्चर, या कैसा भी लगा हो, राइट। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।